देखिए, इस वीडियो जो बात करने वाले कि झारखंड एसएससी के अंतर्गत जो मैट्रिक स्तरीय जो आपको एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है आपका एक्टिव कर दिया गया है। एडमिट कार्ड इस वीडियो बताने वाला कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वेबसाइट पर चलेंगे, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले देखें तो नोटिस भी आपको जारी कर देगा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर देखें तो 20 जुलाई के डेट में नोटिस आपको जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या भी आपको ऊपर देखने के मिला है। यहाँ पर नीचे लिख रहा है कि झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। आवश्यक सूचना यहाँ पर नीचे जो लिखा है कि झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता दिनांक 28/7/2024 को यानी 28 जुलाई को जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर जो बताया कि रांची जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताया कि इस लिंक पर जाके, ठीक है, आयोग के वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे, ठीक है, झारखंड का jssc.nic.in इस साइट पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे आपको उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट लिंक में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए नीचे आपको शो करेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए फर्स्ट में ही लिंक दिया गया है, लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर झारखंड मैट्रिक लेवल, ठीक है। इस पर डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो भी जानकारी है आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के और यहाँ पर साइन सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं पता तो देखिए फॉरगेट का ऑप्शन देगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी कैंडिडेट आपको एग्जाम देने वाला है मैट्रिक लेवल में उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के जो लिंक है आपका एक्टिव हो गया, तो आप इसी प्रोसेस के माध्यम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे।